एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉन रैम्बो वाईटी। तो भाई तुम लोग कौन कौन हो यहाँ पे जो अपडेट किए हो, और अपडेट के बाद कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। मैंने तो किया है, और ये अपडेट मैंने करके पहला दिन ही किया था, और करके सोचा था कि वो थोड़ा देख के आते हैं कि एम्यूजमेंट पार्क कैसा होता है। तो ये सोचा था पर दोस्त नहीं मिल रहा था, पर यहाँ पे जब दोस्त मिल गया, मीन्स मेरा जो अच्छा खासा फ्रेंड है वो आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जाके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे आया, लॉबी में थोड़ा मज़ा मस्ती कर रहे थे, तो यही करते हुए ये एम्यूजमेंट पार्क मीन्स जो अपडेट के बाद दिया है, तो इसको देख के भाई मन तो बहुत खुश हो गया। और खुश होने के बाद मिस भी बहुत कर रहा हूँ भाई, भाई बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर पबजी मोबाइल इंडिया आ जाए ना भाई, क्या ही कहूँ। हम लोग सिंगल बंदे हैं ना, कोई समझेगा नहीं, पर जो भी हो मिस करता हूँ, मगर छोड़ तो नहीं सकता ना, इसीलिए हम लोग खेलते हैं केयर पर्सन से। पर अपना तो नहीं लगता है ना, वही फीलिंग नहीं लगता है। फिर भी जो भी हो, बहुत इमोशनल हो गया। तो अब मैं सोचा था कि मुझे जाना है एम्यूज़मेंट पार्क, तो साथ में मेरा दोस्त भी था, और एम्यूज़मेंट पार्क को यहाँ पे जब देखा तो सोचा कि यहाँ पे क्यों ना जाए, कामेशी के वहाँ पे एक साथ दो दो हो जाएगा कि वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे स्पॉन आइलैंड है और साथ में वहाँ पे जो एम्यूज़मेंट पार्क है उससे भी घूम के आएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और बहुत टाइम कम था, तो सोचा कि वहाँ पे जाए। तो यहाँ पे छलांग लगा दिया और फिर नीचे जा ही रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जहाँ था हमें यहाँ पे बोट मिली भाई, ऐसा बोट भाई क्या ही कहे। इस बोट को देख के ऐसा ही लगता है कि जीवन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जाना था स्पॉन आइलैंड, और ऐसा बोट मिलके तो ऐसा ही फील हुआ था। फिर सामने देखा कि वो बड़ा सा बोट भाई, इसको देख के जो फील आया ना, क्या ही बोलू। अब तो मन ही मन में बहुत खुश था, क्योंकि कम से कम एम्यूजमेंट पार्क तो जा रहे हैं, और जाते वक्त भाई जो फील हो रहा था वो सुन ही लो आप। मेरी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, ए दोस्तों अलविदा। और भाई फाइनली हम लोग एम्यूजमेंट पार्क आ ही गए। भाई यहाँ पे आके जो फील हो रहा था, तुम लोगों में से जो जो अब यहाँ पे अपडेट के बाद जा चुके हो वो सोच रहे ही होंगे कि कैसा फील हुआ था भाई। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, और यहाँ पे लूट भी अच्छा खासा मिलता है, मगर हम लोगों के पास थोड़ा टाइम कम था, इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ ज़्यादातर रुके नहीं। इसके बाद प्लान था कि और एक एम्यूजमेंट पार्क जाएँ, तो मैं फटाफट यहाँ से लूटा। लूटने के बाद मैंने कोशिश किया कि मैंने सोचा था कि यहाँ का जो स्पॉन आइलैंड है, तो स्पॉन आइलैंड के जगह पे जो घर वगैरह है ना, जो मिलिट्री बेस की तरह लगता है, मैं सोचा कि वहाँ पे भी जाके थोड़ा लूट लूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा अच्छा खासा लूट मिलता है। और यहाँ पे लूटते लूटते मन ही मन में वही फीलिंग आ रहा था, क्या ही बताऊँ भाई, वही सॉन्ग ला 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 ला। तो दिमाग में तो प्लान था कि स्पॉन आइलैंड को भी लूटना है, तो मैं यहाँ पे आ गया। उधर पे मेरा दोस्त मुझे बहुत बुला रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर पता नहीं चल रहा था कि क्यों बुला रहा है। मगर बाद में पता चला कि बंदे के पास फ्लेयर गन है, तो मैं अपना पहले जो स्पॉन आइलैंड का मिशन किया था, तो वहाँ पे तुम लोग देख चुके हो कि मुझे यहाँ पे दो फ्लेयर गन मिला था, तो वैसे ही मेरे दोस्त को मिल गया फ्लेयर गन, और मुझे इसी के कारण वो मुझे बुला रहा था कि उसके पास मैं जाऊँ। पर मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था पहले कि क्यों बुला रहा है इतना, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से लूटा। लूटने के बाद मेरे जो फ्रेंड है वहाँ पे वेट कर रहा था, तो उसके पास मैं चला गया। तो यहाँ पे लूटते वक्त मुझे ना बहुत अच्छा खासा लूट मिला था, देख ही पा रहे हो कि पहले जो डीपी है, उसके बाद M416 मिल गया है यहाँ से,
तो मैं यही कहूँगा कि पहले भी तुम लोगों को बोला था कि यहाँ पे आओ, लूटो जगह को, देखो इस जगह का मज़ा लो, पबजी का पूरा फ़ायदा उठाओ। तो मैं फिर से आया था और ये मज़ा तो मुझे मिल ही गया था पहले से, और एक बार आके इसका मज़ा लिया, साथ में एम्यूज़मेंट पार्क जो देखा हूँ भाई, उसको देखने के बाद मुझे और एक बार फील आ रहा था कि मेरे प्लान में था कि मैं और एक बार जाऊँ, मीन्स यहाँ पे मैप में जो है नेक्स्ट जो एम्यूज़मेंट पार्क है वहाँ जाना है। जोन भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा था और हम लोगों के पास वक्त भी कम था, साथ में हेल्थ भी कम था क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग वहाँ पे दे नहीं पाए। तो यहाँ पे आ गया और हम लोगों को अभी यहाँ पे ढूंढना था एक कार जो कि भाई मिल ही नहीं रहा था, और पीछे देख पा रहे हो कि जोन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग थोड़ा आगे निकले यहाँ पे हिलविल करके, पर भाई दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम लोग यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हो कि 00 सेकंड दिखा रहा है, इसका मतलब यही है कि जोन पीछे आ गया। और यहाँ पे आके फिर ऐसा ही हो रहा था कि भाई यहाँ पे मर जाऊँगा, कोई नहीं बचा सकता यहाँ से। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। तो आगे बढ़ ही रहा था और सामने एक बॉड भाई दिखाई दिया, तो उसको मारने के बाद मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था कि मैं हीरो बन गया हूँ। तो भाई साहब, बॉट को मार के तो हीरो जैसा फील आ रहा था ठीक है, मगर हम लोगों को इस जोन से भी निकलना था, और साथ में मेरे दोस्त को मिला था फ्लेयर गन, मगर दूर दूर तक एक भी गाड़ी का नामो निशान नहीं था भाई। और यही फील आ रहा था कि मर जाऊंगा भाई, यहाँ पे नहीं बचूंगा, उस बच्चे जैसा फील आ रहा था। मगर थोड़ा घूमा और सामने कुछ दिखाई दिया और सोचा कि भाई शायद ये गाड़ी वही गाड़ी हो सकता है जो हम लोगों को बचा सकता है। तो और भी आगे गया और कॉन्फर्म हुआ कि ये गाड़ी है और यहाँ पे फीलिंग। इतनी खुशी भाई साहब, तुम लोग इस फीलिंग को समझ सकते हो भाई। और हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, मगर सामने कुछ दिखाई देता है। क्या देख लो? ओ भाई, ऐसा फ्री का ड्रॉप अगर मिले तो कोई छोड़ेगा भाई, बोलो। तो सीधा जाता हूँ लूटने और वहाँ पे मशीन गन मिलता है, तो मैं थोड़ा दयालु हूँ इसलिए मैं अपना फ्रेंड को बोलता हूँ कि भाई तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, मारूँगा तो दोनों एक साथ। और साथ में अभी हम लोगों को जाना है सेकंड एम्यूज़मेंट पार्क, और वहाँ पे जाके तो भाई M2 बहुत कुछ सोचा हूँ लूटना है। तो हम लोग आगे जो है वो आगे निकल लेते हैं यहाँ से, मगर आगे निकलने से पहले हम लोगों को फ्लेयर गन भी चलाना था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो फ्लेयर गन का ड्रॉप आ ही गया था, तो दिमाग में यही था कि ये भी लूटना है, फिर नेक्स्ट एम्यूज़मेंट पार्क की तरफ जाना है। तो देखते देखते यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप आ गया, हम लोग लूटेंगे इसका इंतज़ार कर ही रहे थे, और साथ में देख रहा था कि आसपास में कोई बंदा है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 11 बचा था और यहाँ हम लोगों का मरने का कोई इरादा नहीं था। तो अब यहाँ पे ड्रॉप आ गया था, तो ड्रॉप के पास गया तो बंदा, मेरा फ्रेंड जो है वो थोड़ा दयालु निकला क्योंकि पहले उसे मशीन गन मिल गया था, तो इस बार मुझे दे दिया, और मैं ये लेके सीधा सेकंड एम्यूज़मेंट की तरफ, मीन्स सेकंड एम्यूज़मेंट पार्क की तरफ चल दिए। और भाई साहब, हम लोग आ जाते हैं सेकंड एम्यूज़मेंट पार्क में, और यहाँ पे आके तो पेटी ही पेटी मिलता है भाई, सबका पेटी हो चुका है यहाँ पे, और साथ में आप लोग देख सकते हो कि 11 बंदा बचे हैं हम लोगों को लेके। तो वहाँ से तुरंत निकलना पड़ा क्योंकि जोन बहुत खा रहा था, तो वहाँ से निकल के आया, थोड़ा हिल विल किया हम लोगों को। अब हम लोगों को चाहिए था चिकन डिनर, जो कि तुम लोगों को दिखा के मुझे हीरो बनना था भाई। तो यहाँ पे तो बहुत कुछ, बहुत बंदे को ढूंढा, कोई मिल नहीं रहा था,
और साथ में ये बोलूँगा कि जो जो केयर वर्शन अपडेट नहीं किए हो भाई, अपडेट कर लो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सा अपडेट है, जहाँ पे तुम लोगों को एम्यूज़मेंट पार्क में जाने के बाद लूट ही लूट मिलेगा। और पहले भी बोला था और भी बोलूँगा, अगर रैंक पुश कर रहे हो तो तुम लोग जा सकते हो स्पॉन आइलैंड। तो मैं तो दोनों एक साथ कर दिया आज यहाँ पे मिशन, मगर थोड़ा जो है यहाँ पे बंदे किल्स नहीं हो रहे थे, तो अभी देखो यहाँ पे सिर्फ बचा है दो, माने मीन्स हम लोग बचे हैं दो और ओपोनेंट का दो बचा है, तो अब तो चिकन डिनर लाना ही था तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे हीरो बनने के लिए हम लोग सब ढूंढ रहे थे, फिर वहाँ से थोड़ा आगे निकल, तो आगे निकल के मुझे यही देखना था कि सामने कोई एनिमी है कि नहीं, बंदा है कि नहीं। तो स्कोप करते करते, मीन्स बड़ा स्कोप तो नहीं था, तो स्कोप करते करते वहाँ पे दिखाई दिया ड्रॉप। अब तो वहाँ पे शायद बंदा हो सकता है, मगर उसी के साथ लग जाता है मुझे शॉट। अब भाई मेरा क्या होगा, तो भाई अभी तक उन लोगों ने रश नहीं किया और मैं, मुझे थोड़ा सुकून मिला था कि कम से कम भाई बच गए, बस हील करना है। तो हील करते करते मुझे बहुत खुशी हो रहा था, वही खुशी जो तुम लोग देख चुके हैं पहले, वैसे ही खुशी हो रहा था गोविंदा की तरह कि भाई बच तो गया हूँ, अब उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे हीरो बनना है। और साथ में तुम लोगों को भी दिखाना था कि देखो तुम्हारा भाई पूरो है कि नहीं। तो मैं स्कोप वोप कर रहा था, उन लोगों को ढूंढ रहा था, उधर से उन लोग तगड़ा फाइट दे रहा था, मगर ये नहीं पता था कि मेरा जो फ्रेंड है वो भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो तो हीरो है और मैं भी कौन सा कम हूँ, दोनों बंदे बचे थे, हम और ओपोनेंट का दो, तो अब मुझे भी हीरो बनना था और तुम लोगों को भी दिखाना था कि देखो भाई तुम लोगों का भाई भी पोरो ही है, पीरो प्लेयर होता है ना, तो वैसा मैं भी हूँ। तो अब उन लोगों को सिर्फ लोकेट कर रहा था, तो मुझे ये कन्फर्म था कि तुम लोगों को दिखा दूंगा, और जो कि दिखाने भी वाला हूँ, तभी आ जाता है एक आवाज़, और एक आवाज़ के बाद लग जाता है ये शॉट मेरे भाई को। अब तो यही लगता है कि देखो नीचे भाई, सोचा था ऐसा 12 किल करूँगा और ऐसे चिकन डिनर ले लूँगा, तो भाई अब तुम लोग जानते हो क्या हो सकता है, मेरा भाई हीरो बनने गया और मुझे भी हीरो बना दिया। तो हीरो बनाने के बाद ये हाल हुआ, इसको मैं रिवाइव दे ही रहा था, अब जानते ही हो वो लोग पुश करेगा, तो वो लोग पुश भी किया, ठीक है ना, सामने मॉली करना स्टार्ट किया, तो अब जानते ही हो क्या हो सकता है, तो वही हुआ, देख लो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। पूरो बनने की कोशिश में मुझे यही गाना अभी आ रहा है, ला 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 ला। तो तुम्हारे भाई का हीरो बनने की कोशिश जारी रहेगा, मगर तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट गाइज।